ठोस अवस्था में उपसह संयोजन संख्या तो को जैसा कि पीछे भी देखा गया था, उपसह संयोजन संख्या जो होता है वो किसी जालक में किसी परमाणु के निकटवर्ती परमाणु निकटवर्ती चारों तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उपसह संयोजन संख्या जो होता है किसी जालक में किसी परमाणु के चारों तरफ निकटवर्ती परमाणुओं की जितनी संख्या होती है, परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है जितनी, वह उसकी उपसह संयोजन संख्या कही जाती है। और यदि आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक में जो विपरीत आयन वाले निकटवर्ती परमाणु के चारों तरफ परमाणु या आयन के चारों तरफ विपरीत आयन जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। जैसे मान लो कोई NaCl है, तो NaCl का अगर में अगर उपसह संयोजन संख्या देखा जाए Na प्लस चार्ज का, तो उसके विपरीत चारों तरफ सबसे निकटवर्ती सबसे पास में Cl माइनस की जितनी आयन रहेंगे वह संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या कही जाएगी। उसी प्रकार जैसे Cl है, उसी प्रकार जैसे Cl का Cl माइनस का निकालना होता है, तो Cl माइनस के चारों तरफ जितने विपरीत आयन Cl माइनस के मतलब Na प्लस उसके निकटवर्ती Cl माइनस के चारों तरफ जितने सोडियम धन आयन की संख्या होगी वह संख्या उसकी जो है उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे यूनिट सेल या घनी यूनिट सेल, जैसे सरल घनी सेल में या SCC में जो होता है उपसह संयोजन संख्या 6 होता है, और आपका BCC में यह संख्या 8 प्रदर्शित करता है, और FCC में फलक केंद्रित में 12 संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है सरल घनी सेल में किसी कण के चारों तरफ कुल 6 कण होते हैं, 6 कण सबसे निकटवर्ती कण होते हैं, और काय केंद्रित में कुल 8 कण जो होता है परमाणु के चारों तरफ घेरे रहता है, और आपका फलक केंद्रित में 12 ठोकर या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 होता है। तो अब इसमें जैसे आयन का देखा जाएगा, अगर आयन आयन के लिए अगर हम उपसह संयोजन देखा संख्या देखें, तो अगर मान लो धन आयन है तो किसी आयन के निकटवर्ती आयन के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती विपरीत आयन आयन की संख्या, मतलब आयन में देखा जाएगा तो जैसे धन आयन का दिखाना, तो धन आयन ऋण आयन उस धन आयन के चारों तरफ जितना ऋण आयन होंगे वो उसको प्रदर्शित करेगा उस संख्या को, अगर ऋण आयन का देखेंगे तो धन आयन की संख्या को। जैसे मान लो Na प्लस चार्ज है तो Cl माइनस है, Cl माइनस है, इसके चारों तरफ जितना Cl माइनस होगा, मान लो इसमें यहाँ पे दो दो चार पाँच, दो दो चार 6 है, तो यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6 हो जाएगी। और उसी प्रकार हम जैसे Cl का दिखाएं तो यार इसके विपरीत आयन के लिए विपरीत आयन जितना होगा उनकी संख्या तो अब इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो ये 6 आता है। तो इस प्रकार विपरीत आयन की संख्याओं को ये प्रदर्शित करता है।